नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम आपको बताएंगे कि जो चाइनीज ऐप जो आपको लोन देती है उससे क्यों आपको सावधान रहना है और ये ऐप के जरिए किस तरह से आपके बैंक खाते पर सेंध मार सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे आपके साथ धोखाधड़ी ये कर सकते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है जो चाइनीज ऐप के जरिए पहले लोगों को लोन देते थे और उसके बाद उनके मोबाइल को हैक कर उनके साथ ठगी का काम कर रहे थे और ये पूरे देश भर में फैला हुआ ये जाल है इन गिरोहों का। इसके अलावा पहले भी इस तरह की कई गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आज आप ये समझिए कि चाइनीज ऐप जो आपको लोन देती है, यानी कि वो आपको ये महसूस कराते हैं कि अगर आपको जरूरत है तो आप उनसे लोन लीजिए और उसके बाद बड़े भारी भरकम जो है इंटरेस्ट आपसे वसूलने की बात करते हैं, और अगर आप पैसा उनको नहीं चुका पा रहे हैं तो उस सूरत में आपके मोबाइल को ये हैक करते हैं, और मोबाइल को हैक करने के बाद जो आपके कॉन्टेक्ट में जो लोग हैं उनके पास वो आपसे जुड़ी हुई कई जानकारियां उनको साझा करते हैं। इस तरह से वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि कुछ अश्लील जो है मॉफ आपके वीडियो बनाते हैं, आपके पिक्चर्स तैयार करते हैं और जो कॉन्टेक्ट में जो लोग हैं उनको भेजने की धमकी जो है वो आपको देते हैं, और जिससे डर कर काफी लोग इनके ठगी का शिकार हो रहे हैं और इन्हें जो है इनकी मनमाना जो रकम जो ये ठगी के लिए मांगते हैं वो उन्हें दे देते हैं, यानी कि अपनी गाड़ी जो कमाई है वो इन ठगों के हाथ ठगी का शिकार होकर वो गवा रहे हैं। तो ऐसे में आपको सावधान रहना है, कोई भी जो चाइनीज ऐप है उससे आप लोन ना लें। अगर आप उनसे लोन ले रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए जहां से आप अपना बैंक खाता खाली कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद आप सीधे ब्लैकमेलिंग का शिकार होंगे। तो इसलिए अगर आपको जरूरत है लोन लेना है तो आप जो बैंक है उनसे आप लोन लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो ऐप है लगातार वो चलन में आ रही है, इस तरह के गैंग जो है वो लगातार सक्रिय हो रहे हैं।